चुका है। अंबेडकर नगर में 59.53% मतदान हुआ, बस्ती में 55.03% मतदान हुआ, आजमगढ़ में 54.20% मतदान हुआ, सुल्तानपुर में 53.58% मतदान हुआ, लालगंज में 52.86% मतदान हुआ, जौनपुर में 52.65% मतदान हुआ, मछली शहर में 52.10% मतदान हुआ, संत कबीर नगर में 51.11% मतदान हुआ, श्रावस्ती में 50.71% मतदान हुआ, भदोही में 50.69% मतदान हुआ, डुमरियागंज में 50.65% मतदान हुआ, प्रतापगढ़ में 49.65% मतदान हुआ और इलाहाबाद में 49.30% मतदान हुआ, जबकि फूलपुर में 46.80% मतदान हुआ। पांच बजे तक के जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, सबसे कम वोटिंग हुई है फूलपुर में। एक बार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि पांच बजे तक किन किन सीटों पर कितने फीसदी मतदान हुआ है। मछली शहर में हमने आपको दिखाया, फूलपुर देखिए, ये वो सीट है इलाहाबाद की जहां पर 46.80% मतदान हुआ है, सबसे कम वोटिंग यहीं पर हुई है। प्रतापगढ़ में भी बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है, यहाँ पर भी 50 के नीचे रहा नंबर, 49.65% मतदान हुआ। संत कबीर में नगर में 51.11% मतदान हुआ। इसके अलावा श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पर 50.71% मतदान हुआ है और सुल्तानपुर में जहाँ से मेनका गांधी चुनावी मैदान में, वहाँ पर 53.58% मतदान हुआ है। और अलग अलग सीट से इस वक्त हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुल्तानपुर से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संत कबीर नगर से राम गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आजमगढ़ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुल्तानपुर से क्या तस्वीर रही आज दिन भर की, राजीव आप संक्षेप में वो भी समझाइए और वोटिंग परसेंटेज क्या रहा वो भी बताइए। देखिए अमित, अगर 5 बजे तक सुल्तानपुर के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 53.60% वोट 5 बजे तक पड़े थे, लेकिन अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है करीब 55 से 56% मतदान सुल्तानपुर में हुआ है। यहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद मेनका गांधी को मैदान में उतारा था, जबकि इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी राम भुवाल निषाद को बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतारा था। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, जिस तरह से सुल्तानपुर के लोगों के जो मुख्य मुद्दे थे उनमें विकास एक बड़ा एजेंडा था, जिसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच है और एज कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जहां पर प्रत्याशी को लेकर चाहे आम जनता हो विपक्ष हो उसका ये मानना है कि यहां पर बीते 5 सालों में न सिर्फ मेनका गांधी लगातार क्षेत्र में बनी रही बल्कि कुछ काम भी कराया है। ऐसे में अब सुल्तानपुर की जनता ने अगले 5 साल के लिए किसे चुना है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं एज जो है वो मेनका गांधी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, रामगोपाल, संत कबीर नगर की क्या स्थिति रही और 5 बजे तक के नंबर्स हम बता रहे हैं लेकिन उसके बाद भी 1 घंटे तकरीबन वोटिंग हुई है, तो 6 बजे तक का जो फिगर है वो बताइए आप। बिल्कुल, 6 बजे तक अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो करीब 55% के आंकड़े संत कबीर नगर में होने की उम्मीद जताई जा रही है और यहाँ पे भी कमोबेश जो स्थिति है वो ये कि मतदाता जो है वो शांत रहा यहाँ पे। सबसे बड़ी बात अभी मैं संत कबीर नगर के साथ साथ बस्ती और सिद्धार्थनगर तीनों लोकसभा सीटों के लगभग घूम के मैं सुबह से लगातार ट्रेवल कर रहा हूँ और सुबह लगातार इन क्षेत्रों में बात किया तो इस पूरे तीनों लोकसभाओं पे एक बात जो कॉमन निकल के आई कि यहाँ पे इस बार विकास का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आया है और यहाँ पे जाति जो है वो हावी होती नज़र आई है, खास करके संत कबीर नगर और बस्ती में तो जात थोड़ी अधिक हावी होती नज़र आई है। डुमरियागंज में जो है वहाँ पे थोड़ी सी विकास और जात की बराबर बात हुई है, लेकिन जब लोगों से बातचीत की गई, खास करके महिलाओं से बात की गई, पत्रकारों से बात किया गया तो उसमें एक और कॉमन चीज़ सामने आई कि इस बार के जो मतदान हुआ है इस बार उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार से, मतलब अगर उनका पति उनके घर वाले कहीं और वोट देने को कह रहे हैं तो वो कहीं और वोट देने दे सकती है। संक्षेप में आपकी बात को अगर हम समझे तो आधी आबादी की अहम भागीदारी है इस बार
और वो 4 जून को भी पता चलेगी जब फाइनल परिणाम सामने आएगा। एक बार आजमगढ़ चल लेते हैं, अभिषेक वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, आजमगढ़ वो सीट है जिस पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के हर एक शख्स की निगाह है बल्कि देश के लोगों की भी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और सामने दिनेश लाल यादव निरहुआ। किस तरीके की तस्वीर सुबह से लेकर शाम तक आप वहां पर देख पाए? जी अमित, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, जिस तरीके से भाई इलेक्शन में आजमगढ़ में वोट परसेंटेज में काफ़ी गिरावट आई थी और 50% से भी कम आजमगढ़ में वोट पड़े थे, उस लिहाज इस बार आजमगढ़ में वोट परसेंटेज में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब तक के रिकॉर्ड में आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिला है। शाम 5 बजे तक 54% से ऊपर मतदान यहाँ पर हुआ है। बात करें 6 बजे की तो लगभग 56% के ऊपर मतदान आजमगढ़ में हुआ। आजमगढ़ में जब जब मतदान अधिक हुआ है, समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया, चाहे वो 2014 का चुनाव चाहे 2019 का चुनाव रहा हो या फिर बात करें 2024 की, तो इस बार का जो जाति समीकरण है पूरी तरीके समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा। हालांकि भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहां पर जनसभा को संबोधित किए और देश से लेकर आजमगढ़ तक के विकास कार्यों को जनता के बीच रखे और गिनाए। लेकिन जिस तरीके से इस बार का चुनाव हुआ है पूरी तरीके से जाति समीकरण पर ही टिका हुआ है, इसका स्पष्ट मैंने जो लोगों ने देखा है कि मैनाटी के समीकरण बेहतर तरीके से पाया। इसके लिए हमें 4 जून तक इंतजार